तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 14.2, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस का सीरीज चालू किया था, उसमें दो सम हो गए, ये थर्ड सम के साथ हम वापस हाजिर हैं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और उसमें से गिवन जैसे हम निकालते हैं उसी तरीके से निकालेंगे। देखिए क्या बोला, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर आफ्टर 3 ईयर्स इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज बाय 5%। उनको जो बोलना है बोलने दो, आप रीड करो, उसके बाद आपको क्या लिखना है, गिवन। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होने वाला है, गिवन। गिवन में क्या बोला है कि भाई प्रिंसिपल कितना है, कितने ट्रीज हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 40,000, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 40,000 आपका प्रिंसिपल हो गया। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर आफ्टर 3 ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स डिनोटेड बाय एन इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या बोला, ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर बाय 5%। 5% मतलब आपका क्या हो गया, ये रेट हो गया, डिनोटेड बाय आर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टू फाइंड में आपको क्या लिखना है, अमाउंट। हमेशा याद रखना इसमें आप सिर्फ क्या फाइंड कर रहे हो, अमाउंट फाइंड कर रहे हो, दैट इज योर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट आपका सोल्यूशन का पार्ट। जब आप सोल्यूशन में एंटर करोगे तो बाय द फॉर्मूला आपको लिखना है, बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 द होल रेस टू n, ये आपका फॉर्मूला है। p का वैल्यू कितना दिया बोलो, देखो 40,000 दिया तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, 40,000 1 + R का वैल्यू आपको कितना दिया, 5, तो यहाँ पर 5 रख दिया, अपॉन 100, और n का वैल्यू आपको कितना दिया है, 3 दिया है। ऐसे आपको वैल्यूज को पुट अप कर देना है। फिर इसके बाद आपका क्या करने वाला है, ये आपका 40,000 है, 1 + मैंने क्या बोला था कि जब भी ये 5 कट हो रहा है, देखो 5/100 है, ये कट होगा, कट होके आपको क्या दे रहा है, 20 दे रहा है, नीचे फिर से 0 आ ही रहा है ना, तो इसे आप क्या करो, कट कर दो, तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 20। याद रखना नीचे अगर कट करने पे 0 आ रहा है तो आप कट आउट कर सकते हो, अगर 0 नहीं आ रहा है, कोई दूसरा नंबर आ रहा है जिसमें जिसमें 0 नहीं है, तो आप कट आउट मत करना, क्योंकि आप अपना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 द होल रेस टू 3। अब इससे जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 40,000। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 20 + 1/20। आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि ये कैलकुलेशन, ये पार्ट कैसे जा रहा है कैलकुलेशन का। देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 40,000, और ये आपका कितना हो जाएगा, 20 + 1/20 द होल रेस टू 3। चलिए अब मूव ऑन करते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू जब आप करोगे तो दैट विल बी योर, ये हो गया आपका 40,000 ब्रैकेट, 20 + 1 कितना होगा, 21/20 द होल रेस टू 3। 3 मतलब क्या, कितनी बार, ये हो गया आपका 40,000 मल्टीप्लाई बाय 21/20 × 21/20 × 21/20। ये देखो 1 2 3 1 2 3, मजा देखा मजा। चलिए अब आगे देखो, ये कितना हो गया, 40 × 21 × 21 × 21, 2 × 4 × 4 × 8, नीचे हो गया 8, वापस मजा दिखा, हो गया 8 × 1 = 8 = 5, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। अब वैल्यू कितना आ जाए, 5 × 21 × 21 × 21, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब कोई मजा नहीं है, हो गया इतना। देखो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 × 5 × 5 × 2 = 10, तो ये होगा 105, और 21 × 21 कितना है, 441। तो सिंपली आपको क्या करना है, 441 × 105 करिए, 5 × 5 = 5 × 5 = 20 × 2 × 5 = 20 = 22 क्रॉस, फिर 000, फिर डबल क्रॉस, फिर 144, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 426, और ये हो जाएगा 4। तो वैल्यू आपका कितना आएगा, 46305। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, 46305 क्या है, क्या है ये, कुछ यूनिट है क्या, है ना भाई, क्या है, ट्रीज। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 46305 नंबर ऑफ ट्रीज, और लास्ट का आपका आंसर क्या होएगा, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 46,305, ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कुछ भी डाउट नहीं है, क्वेश्चन बहुत स्मूथली जा रहे हैं, बट यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 4 में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आपको मिलने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट ट्विस्ट। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बट एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, वर्ड एक नया आ गया डेप्रिसिएशन का। जब भी याद रखना, डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होगा, माइनस होगा, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू है उसे आपको क्या करना है, माइनस में लेना है। देखिए क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 2,50,000, इफ द रेट ऑफ
डेप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर, यहाँ पर माइनस नहीं दिया, यहाँ पर क्या बोला, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का ही मतलब होता है माइनस, तो माइनस देने से अच्छा उन्होंने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन। फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस आफ्टर टू ईयर्स, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, चलिए गिवन में बताइए क्या लिखेंगे, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में मैं क्या लिखने वाला हूँ, पी इज इक्वल टू टू रुपीज 2,50,000। फिर मेरा रेट, रेट कितना होएगा, रेट दैट इज योर आर इज इक्वल टू 10, बट मैंने क्या बोला डेप्रिसिएशन है तो माइनस 10 होगा। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर कितना बोला है, नंबर ऑफ ईयर्स डिनोटेड बाय एन इज इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा, 2। तो आप 2 ईयर्स लिखिए या फिर 2 लिखिए। फिर 2 फाइंड में आपका क्या आएगा, 2 फाइंड में क्या फाइंड करना है आपको, यहाँ पर सिंपली मैंने बोला हर एक सम में आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। लेकिन इसमें आपको एक और क्वेश्चन भी बोला है, फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस आफ्टर टू ईयर, डेप्रिसिएशन इन प्राइस आपको फाइंड करना है, मतलब इसके आगे भी सम थोड़ा सॉल्व होगा। तो पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं, उसके बाद चेकअप मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें एक्स्ट्रा आपको सॉल्व आउट करना है। देखिए जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सोल्यूशन फिर से वैसे ही बाय द फॉर्मूला, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो एक ही फार्मूला से हम सारे सम को सॉल्व आउट कर रहे हैं। क्लास है इस चैनल का, ऐसे ही है, ऐसे ही सिखाएंगे यहाँ पर। बाय द फार्मूला क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल रेस टू एन। फिर अमाउंट पी का वैल्यू कितना है, 2,50,000, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2,50,000 प्लस 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है, माइनस 10, ध्यान दीजिएगा माइनस 10 द होल रेस टू एन का वैल्यू कितना है, 2 है। अच्छा अभी ये माइनस को मैं हटाता हूँ, पहले बेचारा तकलीफ देगा हमें, ये 1 प्लस माइनस माइनस, ये कितना होगा 10 अपॉन 100 स्क्वायर, कुछ दिख रहा है, एक जीरो कैंसिल हो रहा है, तो अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,50,000 वन माइनस 1 अपॉन 10 द होल स्क्वायर, या फिर होल स्क्वायर ना बोलो, वैल्यू कितना है, 2 है, होल स्क्वायर याद आता है क्योंकि बार बार ऐसे ही जब आप सॉल्व करते हो तो वही यूज़ करते हो। ये हो गया आपका 2,50,000, इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो इसके नीचे 1 है तो 10 माइनस 1 अपॉन 10 ही रहने वाला है, द 2 का वैल्यू आएगा, और ये हो गया 2,50,000, ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन 10 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2,50,000 इंटू 9 बाय 10 इंटू 9 बाय 10, 0,0 गेट्स कैंसिल, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 2,00,000 नहीं होगा, 2,0 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू 9 इंटू 9। अच्छा अब आपका ये वैल्यू क्या आएगा, अमाउंट आएगा, अभी आप मल्टीप्लाई करिए, 9 9 से कितना होता है, 81 होता है, तो 25 इंटू 81 52 क्रॉस 8 5 40 04, 8 2 16 प्लस 4 कितना होगा, 20, तो ये होगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, तो वैल्यू कितना होगा, 2,02,500। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट का वैल्यू हो गया, लेकिन आपसे अमाउंट नहीं पूछा, उसने आपसे क्या पूछा है, डेप्रिसिएशन पूछा है। डेप्रिसिएशन आप नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप क्या करते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हो, लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें जब भी आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, याद रखना जब भी आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा आपका प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। सर याद कैसे रखेंगे, ना याद नहीं रहता, देखो ध्यान से आपको माइनस करना है, तो दो ही चीज़ें माइनस हो रही है, एक हो रहा है अमाउंट, दूसरा हो रहा है प्रिंसिपल। अब इधर चेक करो आपका अमाउंट कितना है, ये वैल 2,50,000 है, और ये वाला देखो 2,50,000 है, बड़ा कौन है, अमाउंट बड़ा है ना, सॉरी प्रिंसिपल बड़ा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट करना। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो तो उसमें अमाउंट बड़ा आता है, प्रिंसिपल छोटा आता है, तो इसीलिए वहाँ पर हम लोग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 2,50,000 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, 2,02,500। अब इसे जब आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहीं पर कर दूं, 2,50,000 और ये कितना हो जाएगा, 2,02,500, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0,0, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 4, 10 माइनस 5 गया तो 5, 9 माइनस 2 गया तो 7, 4 में से 0 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा वैल्यू 0, तो आपका टोटल वैल्यू जो बचता है वो बचता है 47,500 रुपीज़।
तो इतने का उसे क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन उसने फेस किया है। कितने का डेप्रिसिएशन फेस किया है, 47,500 रुपीज़। आई होप आपको ये सब भी समझ में आया और इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया डेप्रिसिएशन वाला वो भी समझ में आया। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और भी जो स्टूडेंट हैं वो भी इस चैनल की वीडियोज़ का यूज़ कर सकें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।